Hi, this is Jogunder Singh and you are watching NCERT Class 8, Chapter 1, Rational Numbers. Example number 1. And this example is about find the sum of rational numbers. Example 1 aapko kya kehta hai? Find the sum of these all rational numbers. Sabke beech mein plus hai, koi rational number positive hai, koi aapka negative hai. Just like 3 by 7 aapka positive hai. माइनस 6 अपॉन 11 ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है. माइनस 8 अपॉन 21 ये भी आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है. एंड द लास्ट वन 5 अपॉन 21 इज आल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक डिवीजन का साइन लगा दो. अब न्यूमरेटर में आपको क्या लगाना है, डिनोमिनेटर में क्या लगाना है, ये मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियोज में सिखाया था. फिर भी अभी आप देख लो, ये जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं हमारे 7, 11, 21 एंड 22, इन सब का जो LCM है वो हमको लगाना होगा कहां पर, ये डिनोमिनेटर में. तो इनका LCM हम ले लेते हैं. हमने 7, 11, 21 एंड 22 ले लिए. LCM लेना आपको आता ही होगा, काफी पहले से आप ले रहे हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस किया है उनको LCM लेना भी नहीं आता है. क्यों ये वो जाने, लेकिन नहीं आता है. तो कोई बात नहीं, LCM लेने का बेस्ट तरीका है, ये जितने भी नंबर्स का LCM लेना है उनको आप साथ में लिख दो और उसके बाद देखो सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर है जो इनमें से किसी भी एक को या सबको डिवाइड करता हो. तो हमारे पास 2 है जो 22 को डिवाइड करता है. सबसे पहले तो यहां पे 2 लिख दो. 7 को 2 डिवाइड करता है, नहीं करता, तो 7 एज इट इज रिमेनिंग छोड़ दो. उसके बाद 11 को देखो, 11 2 से डिवाइड होता है, नहीं, तो इसको भी एज इट इज लिख दो. सेम 21 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसको भी अनटच रख दो. अब आते हैं हम 22 पर. 22 हमारा 2 से डिवाइड होता है 11 टाइम, तो यहां पर रिमाइंडर हमारा आया 11. अब इन सबको ध्यान से देखो, कौन सा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो इनमें से किसी को भी डिवाइड करता है. तो मुझे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है. 3 हमारे 21 को डिवाइड करता है, लेकिन बाकी किसी को डिवाइड नहीं करता है. बट LCM का फंडा है, नंबर्स आप तब तक चूज करते रहो लेफ्ट में जब तक कि फाइनली नीचे वाली बॉटम लाइन में 1111 ना आ जाए. तो हमने ये जो 3 चूज किया है, 7 को डिवाइड किया 3 से, नहीं डिवाइड होता है, एज इट इज. 11 को 3 से डिवाइड किया, नहीं हुआ, एज इट इज 11. 21 3 से डिवाइड होके हमारा 7 रिजल्ट देता है, और 11 हमारा डिवाइड नहीं होता है, तो 11 भी हमने सेम कैरी कर लिया. अब ये जो नंबर्स है इनमें 2 टाइम 7 है, दैट मींस एटलीस्ट ये 7 से तो डिवाइड होते हैं, तो हमने 7 चूज कर लिया. और 7 से हमने फर्स्ट वाले को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, सेकेंड को डिवाइड किया, डिवाइड होता ही नहीं है तो एज इट इज. 7 से थर्ड को हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, फोर्थ को डिवाइड किया तो डिवाइड नहीं होता, तो इसको भी हमने एज इट इज कैरी कर लिया 11. अब इस लास्ट लाइन में हमारे 2 टाइम तो 1 आ चुका है और 2 टाइम 11 है. हमारे LCM की कंडीशन क्या है, बॉटम लाइन में जब तक सभी 1 1 ना हो जाए तब तक हमको लेफ्ट में प्राइम नंबर चूज करते जाना है. तो अब की बार हमने नंबर चूज किया है 11. 11 से डिवाइड करने के लिए फर्स्ट नंबर एज इट इज कैरी हमारा, बिकॉज ये 1 है. सेकंड 11 को हमने जब 11 से डिवाइड किया ये भी बन गया 1. थर्ड नंबर नहीं डिवाइड होता है, एज इट इज कैरी करो. और फोर्थ नंबर ये 11 है, ये हमारा 11 से डिवाइड होके क्या देता है, 1. तो ये जो हमारी लेफ्ट साइड है, हमारे चूज किए हुए नंबर्स 2, 3, 7 एंड 11, इन सब का जो मल्टीपल है वो हमारा LCM होता है. सो द LCM इज 462. अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना था, LCM. तो ये जो हमारा LCM है 462, इसको हमने एज इट इज डिनोमिनेटर के लिए कैरी कर दिया. अब इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका मैंने आपको सिखाया था, जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हमारे रेशनल नंबर्स के बीच में है इनको पहले तो एज इट इज आप कैरी कर लो. उसके बाद एवरी रेशनल नंबर को हमको LCM के साथ ऑपरेट करना होगा. तो ये जैसे हमने फर्स्ट वाला रेशनल नंबर चूज किया ये वाला,
और हमने साथ में चूज किया ये LCM. तो हमारा फॉर्मूला हमने क्या दिया था इसको सॉल्व करने का, फॉर्मूला था हमारा LCM अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर. अब हमारे फर्स्ट रेशनल नंबर और LCM के अंदर जो जो नंबर है उनको रिप्लेस करके देखो. ये देखो हमारा LCM है 462 अपॉन डिनोमिनेटर है 7 इनटू न्यूमरेटर है हमारा 3. इस चीज को जब हम कट करके फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आता है 198. तो ये जो 198 हमारा आ रहा है इसको हम इस फर्स्ट वाले प्लेस पर लिख देंगे 198. तो इसमें जो सीखने की मेन चीज हमारी ये वाली है, ये LCM अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर. ये एवरी रेशनल नंबर के साथ में LCM को आपको ऑपरेट करना है और न्यूमरेटर की डिजिट हमको मिलती चली जाएगी. और ये जो बीच के हमारे ये जितने भी प्लस के साइन है, यहां पर प्लस है प्लस ले लो, माइनस होता आप माइनस ले लेते. अब सेम चीज हमें ये सेकंड रेशनल नंबर के साथ करनी है, -6/11 के साथ इस LCM को ऑपरेट करेंगे. अगेन LCM अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर. अब इसको बार बार सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आप डायरेक्टली आंसर देखो. हमारा आता है -252. माइनस क्यों आया, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास -6 था. सेम चीज हमारे थर्ड रेशनल नंबर के साथ में अप्लाई करो. अगेन सेम फॉर्मूला, LCM अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर. LCM हमारा यहां पर है और डिनोमिनेटर हमारा यहां पर है और न्यूमरेटर हमारा यहां पर है. तो ये जो रेशनल नंबर है इसको LCM के साथ ऑपरेट करने के बाद जो हमारा कंक्लूजन आता है उसे थर्ड ब्लैंक में लिख दो, जो कि है हमारा -176. अगेन हमारे पास फोर्थ रेशनल नंबर है, इसको भी LCM के साथ ऑपरेट करो इस फॉर्मूले के साथ में. तो हमारा LCM अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर क्या आता है, ये आ रहा है 105. चलिए, आपने रेशनल नंबर्स को LCM के थ्रू फाइनली ऑपरेट करना सीख लिया. अब हमारे पास न्यूमरेटर्स के अंदर कई चीजें प्लस में है, कई चीजें माइनस में है. तो जितने भी पॉजिटिव आइटम है उनको आप आपस में सम कर लो. 198 और 105 हमारे पास पॉजिटिव है, इनका सम अलग से कर लो. और ये जो माइनस वाली चीजें हैं इनका हम सम अलग से कर लो और माइनस में लिख दो इसे, है ना. देखो कैसे, हमने सबसे पहले तो सेम डिवाइड का साइन लगा दिया, डिनोमिनेटर को हमने सेम कैरी कर लिया. उसके बाद जो पॉजिटिव थिंग्स है उनका सम है हमारा 303 और माइनस के साइन के साथ नेगेटिव थिंग्स का हमारा सम है 428. आफ्टर कैलकुलेटिंग डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 462 को एज इट इज कैरी करेंगे और न्यूमरेटर में जो सब्ट्रैक्शन है हमारा नेगेटिव वाली हमारी चीज बड़ी है. तो हमारा रिजल्ट आएगा नेगेटिव और किस तरह से आएगा, ये आएगा हमारा -125. प्रैक्टिकली -125 अपॉन 462 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि पूरे रेशनल नंबर के साथ इसको माइनस को लगाना है तो नो प्रॉब्लम, आप इसे इस तरह से लिख दीजिए, माइनस को लेफ्ट में लो और 125 अपॉन 462 हमारा एज इट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा. सो दिस थिंग इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. दोस्तों, आई होप आपको इस तरह से स्टडी करना अच्छा लग रहा होगा. सो कंटिन्यू मेरे वीडियोज आपको टाइमली मिलते रहे. पहले तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें आप. एंड ऑब्वियसली एक लाइक तो बनता है, अच्छा लगता है जब मेहनत के बदले में अप्रिशिएशन मिलता है. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.